अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुशरा राजपूत। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, लजीज, मज़ेदार एंड व्हाट नॉट चने की दाल का हलवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जी मैंने ले ली है चने की दाल, इसको आप साफ कर लीजिएगा। 1.5 कप है यानी कि 250 ग्राम। मैंने वेट किया था तो मेरे पास 250 ग्राम आ रहा था। इसको 2 घंटे आपने पानी में भिगो देना है, कोई ओवरनाइट वाला सीन नहीं है। ये आप पानी गिरा दें, फ्रेश पानी भरें और इसको बॉईल होने रख दें। इस पानी को ड्राई होने देना है हमें, कोई दूध में उबालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगी क्यों हम आगे दूध यूज़ करेंगे। ये देखें इतनी हो गई, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए दाल की। तब आप जाके अपना जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, जो भी आप कहते हैं वो लेंगे और उसमें 1/2 कप दूध लेंगे। रूम टेम्परेचर पर उसको ग्राइंड कर लेंगे या ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें ये सिचुएशन होनी चाहिए। अब आपने सबसे भारी बर्तन लेना है जिसका बॉटम भारी हो या पैंदा भारी हो, और एक वुडन चम्मच ले लेना है या फिर एक स्पैचुला ले लेना है सिलिकॉन से, क्योंकि आपको ठीक ठाक भुनाई करनी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप घी, आप असली लें या बाहर का लें कोई भी ले सकते हैं। 3 से 4 इलायची मैंने तोड़ ली थी। अच्छी सी खुशबू आते ही मैं इसमें डाल दूंगी बॉइल्ड जो दाल है। ये मुझे पता था मेरी बेइज्जती होनी है, फिर मेरी बहन ने आके मदद की। अब यहाँ से काम शुरू होता है भुनाई का। 40 से 50 मिनट इसका भुनाई का वक्त है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं वो 40 मिनट तक मोबाइल लटका के आपको भुनाई दिखा सकूं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो जाती। आप समझ जाइएगा मैंने मेहनत भरपूर की हुई है, वो आखिर में पता चल जाएगा। आपने एक्स्ट्रा कोई घी, कोई दूध, कुछ नहीं डालना है। ये घी रिलीज़ खुद करेगी दाल, जो अब ये पूरा घी पी के बैठ चुकी है। इसका कलर डालने के लिए बहुत सारे लोग इसमें फूड कलर डालते हैं, ब्राउन फूड कलर डालते हैं या जर्दे का रंग डालते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती। मैं कहती हूँ उसको जितना आसान रखें रखें और बस भुनाई करते जाएं। भुनाई अभी भी बाकी है। ये देखें कलर इसका जो बहुत लाइट येलोइश की तरफ था, अब देखें कैसा होता जा रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। कोई भी आप अच्छा मिल्क पाउडर यूज़ करें, फुल क्रीम, लेकिन स्किम्ड मिल्क मत उठा लीजिएगा प्लीज़। और 1 कप चीनी, पीसीवी भी यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है। अच्छा, इसमें एसेंस डालना ऑप्शनल है। बहुत सारे लोग एसेंस डालते हैं, वेनिला एसेंस डाल देते हैं और आमंड एसेंस डाल देते हैं और केवड़ा एसेंस डाल देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं। जब दाल और इलायची इतनी पक जाती है, वो अपनी एक सोंधी सी खुशबू रिलीज करती है, वो हमारे लिए बहुत है। मुश्किल नहीं करें इसको, बहुत ईजी बनाएं। अच्छा, ये स्टेज है, इसमें जाएगा 1/2 कप दूध लिक्विड फॉर्म में। एक तो हम मिल्क पाउडर डाल चुके हैं, 1/2 कप मिल्क जो है हम लोगों ने एक ब्लेंड करते हुए डाला था, और एक इस वक्त डालेंगे। इसकी भुनाई ही मेन एलिमेंट है, वरना इसमें क्या है, घी, दाल, इलायची, चीनी है और मैंने जो है वो मिल्क पाउडर डाला है वो रिच फ्लेवर के लिए। भुनाई जो है मेन एलिमेंट है, आप इसको स्किप मत करें, क्योंकि आप फूड कलर तो डाल लेंगे लेकिन फिर दिल से खुशी कहाँ से आएगी। आंखों से तो खुशी आ जानी है, लेकिन दिल और मुंह को खुशी नहीं मिलेगी जब तक आप इसमें भुनाई नहीं करेंगे। भूनते रहें, वापस भूलते हैं। ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर रही थी, मेरी बहन ने भी खूब हाथ बटाया है मेरा। आप दिख रहा होगा दो दो हाथ आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों की मेहनत रंग ला चुकी है। आपने देखा होगा क्या खुश रंग है, खुश जायका तो था ही। एक छोटी सी थाली या थाल लें, उसमें आप घी लगाएंगे, फिर अपना हलवा डाल देंगे ताकि ये ईजिली आप निकाल सकें, वरना चिपक जाता है। एक बार का एक्सपीरियंस है मेरा, बल्कि बहन ने ही बनाया था तभी। हमने बचपन से मेरे ख्याल से हम सीख रहे हैं, क्योंकि वो बनाती थी और फिर तब से हमारा हाथ सेट है इस पर। वर्क लगाएं, इस पर आप ड्राई फ्रूट्स डालें, ऑप्शनल है, नहीं डालना नहीं डालें, इसको सिंपल रखें और खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये डायमंड कट्स हमने लगा दिए, हमने मतलब मेरी बहन ने और मैंने, और ये रेडी था। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कुकिंग को ना सर पे सवार मत करो, बहुत आराम से इजी लेके चलो और इजीली बन भी जाता है, लेकिन चने की दाल के हलवे को सर पे सवार कर लो, क्योंकि बुनाई में बहुत बहुत वक्त लगेगा। क्या बात।